गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास एट में नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग जो है यूनिट फोर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जो आप लोग एंगल बनाना इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका ज़रूरत आप लोगों को जब एक्सरसाइज आप बनाइएगा उसमें पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कंस्ट्रक्ट एंगल यूजिंग बाय कंपास एंड रूलर। तो आप लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, रूलर, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर सभी रहते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर की सहायता से एंगल बनाना जानते हैं, और जब कंपास और रूलर की सहायता से बनाना पड़ता है तो नहीं बन पाता। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बताने से पहले हम लोग कुछ जो है एंगल बनाना सीखेंगे और उसको बाइसेक्ट करना भी सीखेंगे, ताकि हम लोग जब एक्सरसाइज शुरू करें तो दिक्कत नहीं हो। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाना। 60 डिग्री का एंगल कंपास और रूलर की सहायता से कैसे बनाएं? तो सबसे पहले क्या करना है हमको, एक रेखाखंड लेना किसी भी लंबाई में। तो यह रेखाखंड जो है आप रूलर की सहायता से सीधा खींच लेना है, और यह जो है लंबाई आप जितना आपको इच्छा हो उतना लंबाई का ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यह हम 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, आपको जितना मन हो उतना लंबा खींच लीजिए। अगर क्वेश्चन में रेखाखंड का नाम दिया हुआ है तो नाम दे देना है, अगर नहीं है तो अपने मन से हमको दे देना है। जैसे हम यहाँ ए बी ले लिए रेखाखंड, तो रूलर की सहायता से रेखाखंड खींचना है। अब क्या करना है कि पेंसिल को कंपास में सेट कर लेना है हमको, और पेंसिल का जो सुई वाला नोक होगा उसको रेखाखंड के किसी भी एक छोर पर रखना स्थिर करके। यहाँ पर मान लीजिए सुई का नोक हम स्थिर करके रख दिए हैं, और अब कंपास को फैलाइए। कंपास और पेंसिल के बीच में आप जितना गैप करना चाहते हैं गैप कर सकते हैं, चाहे छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, जितना भी आपको मन है उतना करके सुई का नोक यहाँ रखना है, और एक आर्क ऐसे कीजिए, चाप खींच लेना। सुई का नोक यहाँ रखना है ऐसे, और ऐसे घुमा करके पेंसिल से आपको खींच लेना है। अब उस कंपास और पेंसिल का जो गैप है उसको छोटा या बड़ा नहीं करना। जब हम एक बार आर्क खींच लेंगे तो उसको छोटा बड़ा नहीं करना। अब दूसरा क्या है स्टेप, फिर से क्या करना है, सुई का नोक आर्क रेखाखंड को जिस बिंदु पर काटता है वहां पर रखना है, और उस आर्क में बिना छोटा बड़ा किए हुए कंपास एक और फिर कटान कर देना है। जहां पर वह कटान होगा वही आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की यानी रूलर की सहायता से चिन्हित करके और ऐसे खींच दीजिए, यही आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो मन है नाम देना दे दीजिए सी। तो इस तरह से हम कंपास और रूलर की सहायता से 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो इसके लिए फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, उसके बाद कंपास को और पेंसिल का जो गैप है उसको छोटा या बड़ा जितना गैप लेना है ले लिख करके, सुई का नोक रखना है किसी भी एक बिंदु पर, रेखाखंड का जो दो छोर होता है किसी एक छोर पर रख करके चाप घुमा लीजिए। जहाँ पर काटता है रेखाखंड को वह आर, वहाँ पर फिर से बिना कंपास को छोटा बड़ा किए हुए फिर क्या करना, पेंसिल से काट लेना है जहाँ पर कटेगा आर को, उसको और रेखाखंड के पॉइंट को दोनों एकत्रित करके रूलर से खींच लीजिए, आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंपास और रूलर की सहायता से 60 डिग्री का एंगल बना। अब
इसी में हम आपको बाइसेक्ट करना बताने जा रहे हैं कि इसी एंगल को अगर हमको बाइसेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो बाइसेक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना। तो इसी तरह से सबसे पहले तो हमको एंगल बना लेना है। एंगल जब हम बना लेंगे, अब क्या करना है, जो एंगल आपका बीच में गैप है और उसमें जो आर्क है आपका, उसका जो डिस्टेंस है उसको माप लेना है कंपास। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस है आर्क का, इसको माप लीजिए। अब क्या करना है, एक बार फर्स्ट पॉइंट से आर्क लेना है, फिर दोबारा क्या करना है, दूसरे पॉइंट से आर्क लेना है, और जहाँ पर ये दोनों कटेगा वही हो गया आपका बाइसेक्टर पॉइंट। अब स्केल से इसको सीधा करके मिला दीजिए, तो यही आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल बना करके उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। अब है आपका इसी में आगे 120 डिग्री, ये भी आसान है, ये भी इसी तरह ही बनता है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ले लेना है, फिर कंपास को फैला करके जितना गैप लेकर के एक आर्क खींचिए। आर्क खींचने के बाद फिर बिना छोटा बड़ा किए हुए पहला जो कदम होगा आपका वह 60 डिग्री होगा, और उसी को दोबारा अगर काटेंगे तो आपका यह 62 या 120, तो यही आपका 120 डिग्री। अब इस रूलर से क्या करना है, इसको एक सीधे करके मिला दीजिए, यही आपका 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस तरह से हम 60 डिग्री का एंगल, पहला जो कटान होगा 60 डिग्री बनेगा, दूसरा जो होगा आपका 120 डिग्री बनेगा। इसी को अगर थर्ड बार काट देंगे यहाँ और इसको मिलाएंगे तो 180 डिग्री का बन जाएगा। तो अभी 180 हम बाद में, पहले हम 90 डिग्री बनाना सीखते हैं। 90 डिग्री, अब देखिए 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल के लिए क्या होता है, इसमें भी किसी भी लंबाई का रेखाखंड खींचना है। अगर लंबाई क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो, अगर रेखाखंड का लंबाई दिया हो क्वेश्चन में और तब एंगल बनाना हो तो माप करके ही बनाना है। जब आप एक्सरसाइज बनाइएगा उसमें आपको दिया हुआ रहेगा लंबाई रेखाखंड का, तो उस समय रेखाखंड की लंबाई को माप करके रूलर से तब खींचना है और बनाना है। और जब तक नहीं दिया हो तब तक आप बिना लंबाई मापे हुए भी रेखाखंड खींच सकते हैं रूलर की सहायता से। तो इसमें भी एक रेखाखंड लेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, एक आर्क ले लेंगे, पहला का काम काटेंगे 60 डिग्री होगा आपका, दूसरा आपका 120 डिग्री होगा। अब क्या करना है आपको, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों के बीच में जो आर्क है चाप है उसकी दूरी को माप लेना है कंपास फैला कर। अब कंपास फैला करके माप लिए, अब क्या करना है, सुई का नोक 60 डिग्री के पॉइंट पर रख करके काटना है ऊपर में चाप, फिर दोबारा क्या करना है 120 डिग्री के पॉइंट पर से सुई का नोक रख करके पेंसिल से काट लेना है ऊपर में। अब दोनों जहां पर कटेगा आप यही जो है आपका इसको सीध करके मिला दीजिए, यही आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसमें भी आपको नाम अगर नहीं दिया हुआ है तो नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल, और इसके अलावा आप और सारा एंगल भी बना सकते हैं, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री, और उसको बाइसेक्ट भी करना सीख सकते हैं। अब जैसे 90 डिग्री के एंगल को भी बाइसेक्ट करना, तो बाइसेक्ट करने का एक ही तरीका है कि जो भी दूरी दोनों एंगल के बीच का आर्क का हो उसको माप लीजिए डिस्टेंस को कंपास की सहायता से, और
दोनों छोर पर से एक एक बार सुई का लॉक रखकर के बीच में जहां पर चाप जाता है आपका आर्क लीजिए, फिर दूसरा बार लीजिए और जहां पर दोनों कटेगा इस पॉइंट को उस पॉइंट को मिला दीजिए, यही आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं इस तरीका से, मतलब जो भी आपका होगा आर उसका डिस्टेंस माप लेना है कंपास की सहायता से, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वर्क में आपको कंपास रूलर सब दिया हुआ रहता है। तो हम इस तरह से 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री का बताए हैं। अगले दिन हम लोग फिर 35 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री के बारे में और उसको बाइसेक्ट करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।